नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। शहर बुलंदशहर से एक और बड़ी अपडेट। कोविड में सावधानी से चुनाव करवाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया था कि कोविड 19 के कारण सभी मतदान केंद्रों पर ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए 4 लाख ग्लव्स मंगवाने का दावा किया गया था। परंतु आज मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों पर ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आई। 4 लाख ग्लव्स मंगाने के बावजूद भी मतदाताओं ने बिना ग्लव्स के मतदान किया। पुनी शर्मा जी, आप अभी वोट डाल करके आ रहे हैं, वोट डालने से पहले आपके हाथ सैनिटाइज किए गए? सैनिटाइज शायद वो किया था, टेम्परेचर ना पड़ा था। सैनिटाइज नहीं किया गया आपको? मास्क वहाँ से प्रोवाइड किया गया? मास्क रखे हुए थे, लेकिन मैंने तो मतलब लेके गया था मास्क अपना। ठीक है, क्या आपको ग्लव्स दिए गए हाथ में पहनने? ग्लव्स नहीं। तो अभी आप वोट करके आ रही हैं, आपने वोट डाल दी? जी वोट डाल दी। वोट डालने से पहले क्या आपके हाथों को सैनिटाइजर कराया गया? नहीं, सैनिटाइजर नहीं किया गया। ग्लव्स दिए गए? नहीं, ग्लव्स भी नहीं दिए गए। ग्लव्स भी नहीं दिए गए? ना ही यहाँ पे सैनिटाइजर किया जा रहा है, ना ही हाथों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं। बस वोट डाली जा रही है डायरेक्ट। आप वोट दे करके आ रही? जी। आपको वोट देने से पहले हाथ सैनिटाइजर कराए गए क्या? नहीं। ग्लव्स दिए गए वोट डालने से पहले? नहीं दिए गए। जानने की कोशिश की तो मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज पर बने बूथ पर कमरा नंबर 4 के आबिद नाम के व्यक्ति ने बताया कि वहां सिर्फ 5 या 6 जोड़ी ग्लव्स आए थे। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कोविड 19 के चलते मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर और ग्लव्स मुहैया करवाने का दावा किया था, लेकिन वो मतदाताओं तक पहुंचे ही नहीं। सोचने की बात यह है कि 3 दिन पहले की गई घोषणा के बाद भी इतनी बड़ी चूक या इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? धन्यवाद। बुलंदशहर की लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ। हापुड़ हलचल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने एम्प्लॉय सुशील शर्मा के साथ अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। वह अब किसी भी रूप या विषय से हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है। धन्यवाद।